SCP-682 यानी हार्ड टू डिस्ट्रॉय रेप्टाइल एक खूंखार दरिंदा है जो सभी जिंदा जीवों से बहुत ही नफरत करता है, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर या फिर कोई दूसरा SCP। अब इस पर एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस रेप्टाइल को मारने के चक्कर में फाउंडेशन इसे कई SCP से लड़ा चुकी है, लेकिन जब इसका सामना एक छोटी सी लड़की यानी द यंग गर्ल से करवाया गया तो ये अपने नेचर के विपरीत पहली बार शांत रहा। ये उसका पालतू बन गया जैसे आपका पेट डॉग। अब फाउंडेशन एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये एक्सपेरिमेंट उनका सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट होगा, बट जो रिजल्ट रहा वो किसी को भी हजम नहीं हुआ। हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजर रहस्य में आपका स्वागत है और आज मैं आ गया हूँ गजनी के आमिर की दूर की बहन SCP-053 यानी द यंग गर्ल की स्टोरी के साथ। ये वही लड़की है जिसका SCP-682 यानी हार्ड टू डिस्ट्रॉय रेप्टाइल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब एक राक्षस जो जिंदा चीजों से नफरत करता है, आखिर वो इस छोटी सी लड़की का पालतू कैसे बन गया, तो इसका जवाब मिलेगा आपको वीडियो के अंत में। बाकी SCP से लेकर क्रीपी पास्टा सभी क्रिएचर्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर लें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। SCP-053 also known as the young girl एक 3 साल की छोटी लड़की है जो जिंदा तो कई सालों से है बट इसकी एज 3 साल में ही अटक गई है। इन सिंपल वर्ड्स, ये आपकी और हमारी तरह बड़ी नहीं होती और इसकी बॉडी कई सालों से 3 साल की एक लड़की जैसी है। अब इस लड़की का ना ही तो कोई नाम है ना ही कोई रिश्तेदार, क्योंकि उसे एक तरह का श्राप है जिस वजह से वो लोगों के बीच एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती, और अगर रुक गई देन उसके आसपास मौजूद सभी लोगों के साथ कुछ बुरा, बहुत बुरा होने लगेगा। कहा जाता है कि ये बेचारी अकेले ही कई सालों तक इधर उधर भटकते रही एंड एट लास्ट SCP फाउंडेशन ने इसे कैप्चर कर लिया एंड आफ्टर दैट उसे एक यूक्लिड क्लास ऑब्जेक्ट में क्लासिफाई कर दिया। यानी इन सिंपल वर्ड्स, इसे कैप्चर करना तो मुश्किल है बट वंस कंटेंड वो उतनी आसानी से भाग नहीं सकती। वो लड़की अच्छे से बोलना भी नहीं जानती है और दिखने में काफी मासूम लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कोई 3 साल की उम्र से बड़ा इंसान इससे आई कांटेक्ट कर ले या इसे फिजिकली टच कर ले या फिर 10 मिनट से ज्यादा इसके आसपास रह ले तो वो एक पागल सन की खूनी हत्यारा बन जाएगा और सबसे पहले अपने आसपास मौजूद सभी लोगों को मारेगा एंड आफ्टर दैट उस बच्ची यानी 053 को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ेगा। बट जैसे ही वो उस लड़की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसके दिल की धड़कन रुक जाएगी और उसकी वहीं इंस्टेंटेनियसली डेथ हो जाएगी। नाउ उस लड़की के बारे में एक और अमेजिंग चीज है कि जस्ट लाइक वुल्वरिन की बेटी लॉरा यानी X-23, इसकी बॉडी भी खुद ब खुद हील हो जाती है। बाकी एक और अजीब सी चीज इसकी याददाश्त के साथ भी है। ये लड़की गजनी के संजय सिंघानिया की तरह ही एक तरह के शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से पीड़ित है और हर 10-10 मिनट में इसकी मेमोरी पार्शियली गायब होते रहती है। नाउ SCP फाउंडेशन में ये लड़की एक कंटेनमेंट सेल में रहती है जहाँ इसके लिए ढेर सारे खिलौने, बुक्स और गेम्स रखे हुए हैं। इसे वहाँ टाइम से खाना भी मिल जाता है और ओकेजनली टॉफी, चॉकलेट्स और अदर स्नैक्स भी मिलते रहते हैं। अब सड़कों पर भटकते रहने से तो लाख गुना अच्छा वो कंटेनमेंट सेल है, इसलिए वो लड़की वहाँ खुशी खुशी रहती है, लेकिन फाउंडेशन साइड बाई साइड उस पर टेस्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहती है। और ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट में इस लड़की का सामना SCP-682 यानी उस भयानक हार्ड टू डिस्ट्रॉय रेप्टाइल से कराया गया था। SCP-053 वर्सेस SCP-682। SCP-682 यानी हार्ड टू डिस्ट्रॉय रेप्टाइल एक अमर विशाल छिपकली है जिसे मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे अगर आपके पास उसे निपटाने की कोई तगड़ी जुगाड़ है तो जरा वीडियो पॉज करके कमेंट्स में बताओ। चलो सबसे ज्यादा इनोवेटिव और लाइट आंसर वाले कमेंट को हम पिन करेंगे। ओके, नाउ फाउंडेशन भी ऐसे ही किसी जुगाड़ के चक्कर में थी, इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना द यंग गर्ल और हार्ड टू डिस्ट्रॉय रेप्टाइल को भिड़ा दिया जाए। इसलिए टेस्ट शुरू किया गया और यंग गर्ल को हार्ड टू डिस्ट्रॉय रेप्टाइल के कंटेनमेंट सेल में अकेले भेज दिया गया। अब फाउंडेशन एक्सपेक्ट कर रही थी कि या तो वो रेप्टाइल उस लड़की पर अटैक करेगा और मारा जाएगा या फिर मे बी वो रेप्टाइल उस लड़की को जान से मार देगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ और जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। 682 एक पालतू डॉग की तरह 053 के आगे लेट गया और 053 तो ऐसे खुश हुई मानो उसे एक नया पेट मिल गया हो। वो उसके साथ खेलने लगी, उसे मसारने लगी, इवन क्रेयॉन से उसके चेहरे पर ड्राइंग्स बनाने लगी। ये देखकर SCP रिसर्चर्स की तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। एक ऐसा क्रिएचर जो हर जिंदा चीज से नफरत करता था, चाहे फिर वो दूसरे SCPs ही क्यों ना हो, उसका ऐसा बिहेवियर किसी को भी हजम नहीं हुआ। नाउ आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, जब सिक्योरिटी को उस लड़की को सेल से बाहर निकालने के लिए भेजा गया, तब वो रेप्टाइल गुस्से से पागल हो गया और उसने सिक्योरिटी वालों पर जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन फाइनली द यंग गर्ल और हार्ड टू डिस्ट्रॉय रेप्टाइल को एक दूसरे से दूर कर दिया गया।
जिसके बाद वो रेप्टाइल भी उदास हो गया और वो लड़की भी अपने सेल में जाकर काफी देर तक रोते रही। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर पहली बार किसी बायोलॉजिकल बीइंग के इतना क्लोज कॉन्टेक्ट में आने पर भी SCP-682 बौखलाया क्यों नहीं। तो इसको लेकर दो मेजर थ्योरीज हैं। थ्योरी वन, अब 053 के कॉन्टेक्ट पर आने पे लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, मौत का नाच शुरू कर देते हैं, बट 682 जो पहले से ही अग्रेसिव है वो उस लड़की से मिलके शांत इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें एडेप्टेशन कैपेबिलिटी है। जैसे जब उसे स्कल्पचर से भिड़ाया गया था तब उसने अपनी बॉडी में कई सारी आँखें उगा ली थी ताकि स्कल्पचर से उसका आई कॉन्टेक्ट ना टूटे, और ऐसा ही शायद यहाँ भी हुआ। उसे पहले से ही पता था कि अगर वो उस लड़की पर हमला करेगा तो उल्टा उसे ही नुकसान होगा। बट इस थ्योरी के साथ दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली कि वो रेप्टाइल एडेप्टिव तो है, बट दूसरे SCPs के साथ जब उसे भिड़ाया गया था तो पहले तो वो पिटा था और कुछ देर बाद ही वो सिचुएशन के हिसाब से एडेप्ट हुआ, जबकि इस केस में तो लड़की के कमरे में घुसते ही वो शांत हो गया था। और दूसरी बात, चलो मान लेते हैं कि वो अडेप्ट हो गया, बट तब भी वो उस लड़की के लिए इतनी सिंपैथी क्यों दिखा रहा था। वो तो लिविंग थिंग्स से बहुत ज्यादा नफरत करता है, तो आखिर इस लड़की के साथ वो इतना इमोशनली अटैच्ड क्यों हो गया। थ्योरी टू, चलो ये वाली पॉसिबिलिटी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और इसके पीछे एक SCP टेल यानी कहानी छुपी हुई है जिसे द पेल हॉर्स नाम से भी जाना जाता है। तो कहानी शुरू होती है जब एक बार 682 अपनी कंटेनमेंट ब्रीच करके भागने की कोशिश करता है। अब इस ब्रीच के दौरान डॉक्टर क्लेफ इस रेप्टाइल पर एक स्पेशल तरीके के वेपन से हमला कर देते हैं, एंड एज यू माइट हैव गेस्ड, इससे वो रेप्टाइल मरता तो नहीं है, इंस्टेड यह हथियार उसका रूप बदल देता है और अब दिखने में वो एक पंखों और बालों वाले बब्बर शेर जैसा दिखने लगता है। फिर वो डॉक्टर क्लेफ से कहता है कि वो उन्हें नहीं मारेगा क्योंकि अपने इस ग्लोरिफाइड रूप में आकर उसकी आंखें खुल गई हैं। वो पहचान चुका है कि आखिर सामने खड़ा पावरफुल रियलिटी बेंडर डॉक्टर क्लेफ कौन है। इसी दौरान 682 अपने उस ग्लोरिफाइड रूप के बारे में बताता है और कहता है कि वो एपोकलिप्स यानी कयामत के 4 घुड़सवारों में से एक का घोड़ा है। वो कहता है कि वो मौत यानी डेथ का घोड़ा है, और मौत कौन है? SCP-053 यानी द यंग गर्ल। इसके बाद 053 भी कंटेनमेंट तोड़ के बाहर आ जाती है और रेप्टाइल की पीठ पर बैठ जाती है और वो दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टेल बताती है कि आखिर 682 और 053 के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है। इन शॉर्ट, द यंग गर्ल या तो डेथ है या फिर डेथ की कोई मैनिफेस्टेशन यानी रूप, और हार्ड टू डिस्ट्रॉय रेप्टाइल डेथ का रथ है जिस पर मौत खुद सवारी करती है। दोनों मौत के पुजारी हैं, इसलिए एक दूसरे से लड़ने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। वैसे आपको क्या लगता है, कौन सी थ्योरी ज्यादा सही है, पहली या दूसरी? आप कमेंट्स में थ्योरी 1 या थ्योरी 2 लिखकर हमें बता सकते हैं। वैसे मेरा तो मानना है कि थ्योरी 2 ज्यादा एक्यूरेट है। तो फ्रेंड्स, ये थी SCP-053 की कहानी और उस सबसे बड़े सवाल का जवाब कि आखिर इन दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और आगे आप किस SCP या मॉन्स्टर पर वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज बी श्योर टू टेल अस इन द कमेंट्स। और ऐसे ही रहस्यमय जीवों के बारे में जानने के लिए प्लैनेट यूजर रहस्य को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।